नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मज़ेदार रेसिपी लेकर। हैप्पी सॉल्ट। आज बनाएंगे पत्ता गोभी, लेकिन कुछ इस तरह से कि इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आइए देखते हैं पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी खाने में जितनी स्वादिष्ट है, बनाने में उतनी ही आसान है। ये झटपट तैयार हो जाती है और टिफिन या लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छी है। इस सब्जी को पकने में बस 10 मिनट का ही समय लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15 से 20 कलियां लहसुन की लेंगे। लहसुन इस सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने स्वाद के हिसाब से या दो हरी मिर्चें लेंगे और लहसुन हरी मिर्चों को बहुत बारीक काट कर या पीस कर अलग रख लेंगे। 250 से 300 ग्राम पत्ता गोभी लेंगे। मैं एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी आधी इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो एक छोटे साइज़ की पूरी पत्ता गोभी इस्तेमाल कर लें। इसे साफ करके पतला पतला काट लेंगे। गोभी को जितना हो सके पतला काटें, इससे ये जल्दी पक जाएगी और सब्जी देखने में भी अच्छी लगेगी। पत्ता गोभी के ये टुकड़े काफ़ी लंबे हैं तो मैं इन्हें दो हिस्सों में काट रही हूँ। इससे सब्जी बनाते वक्त इन्हें चलाने में आसानी होगी। अगर आप ये सब्जी सुबह के टिफ़िन के लिए बनाना चाहते हैं तो रात में ही इस तरह से पत्ता गोभी काट कर फ्रिज में रख लें। इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। कटी हुई गोभी को पानी में डालकर अच्छी तरह धो लेंगे। अब इसे छाननी में डालकर रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। दो बड़ी साइज की शिमला मिर्च लेंगे। इनके बीज और बीज का सफ़ेद हिस्सा निकाल देंगे और शिमला मिर्च को भी पतला पतला लंबा काट लेंगे। शिमला मिर्च को मैंने काटने से पहले ही धो लिया था। इसे भी लगभग उसी साइज का काटेंगे जिस साइज की पत्ता गोभी काटी है। दो मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इन्हें भी पतला लंबा काट लेंगे। सभी सब्जियों को लगभग एक जैसा काटेंगे ताकि सब्जी पकाने में आसानी हो और ये देखने में भी अच्छी लगे। इस सब्जी को हम खुले पैन में बनाएंगे। अगर आपके पास खुला पैन ना हो तो बड़ी कढ़ाई ले लें। अगर बर्तन खुला और बड़ा होगा तो सब्जियों में से पानी जल्दी उड़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़ेंगी, इसीलिए सब्जी ज़्यादा स्वाद बनेगी। 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें कटे हुए प्याज डालकर मीडियम से ऊंची आंच पर हल्का सा पका लेंगे। इन्हें बार बार चलाते रहेंगे और बस इतना पकाएंगे कि प्याज का रंग बदल जाए और ये सफ़ेद हो जाए। प्याज सफ़ेद हो चुके हैं, अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी मीडियम से हाई आंच पर ही पकाना है। इसे बार बार चलाते रहेंगे और लगभग 2 मिनट पकाएंगे। आंच मीडियम से हाई ही रहने दें, इसे बिल्कुल भी हल्का ना करें, नहीं तो सब्जियां ढीली पड़ जाएंगी। प्याज और कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट बाद गैस हल्की कर देंगे और इसमें लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के हिसाब से या 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, स्वाद के हिसाब से नमक और अच्छी तरह मिला लेंगे। ये सब्जी बिना हल्दी के भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन सब्जी में कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। 3 से 4 चुटकी हल्दी डालेंगे और इसे 10 से 15 सेकेंड्स तक पका लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले और लहसुन जले ना। इसमें धुली हुई पत्ता गोभी डाल देंगे और आंच फिर से बढ़ाकर मीडियम से हाई कर देंगे। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आंच को मीडियम से हाई ही रहने देंगे और सब्जी को ढककर लगभग 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। आंच हल्की ना करें, नहीं तो सब्जियां बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। बीच में 1 या 2 बार सब्जी को चला देंगे। सब्जी को पकते हुए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, इसमें से सारा पानी उड़ चुका है। पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसे रोटी या पराठों के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।